तो वहीं 9 मार्च को शहीद राजा हसन खान मेवाती के बलिदान दिवस पर नूह में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी कार्यक्रम की तैयारियों के लिए अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान राजा हसन खान मेवाती के बलिदान को नमन किया तो वहीं विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। की बात है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी शहीद हसन खान मेवाती जिनको आज तक याद ही नहीं किया गया, जिनकी एक बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने इस मेवात के सुरक्षा के लिए, इस मेवात की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसा महान व्यक्तित्व, उनकी शहीदी के ऊपर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी 9 तारीख को 11 बजे यहाँ बड़खली चौक के ऊपर एक भव्य जनसैलाब को संबोधित करेंगे। लालू प्रसाद यादव एक बात बोलता था, पढ़ा चुके हैं, गमंडिया गठबंधन के लोग हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि ये घटिया से घटिया टिप्पणी, इससे भी नीचे ये जा सकते हैं। विधानसभा में कहा है कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नौकरियां हमारे शासन में बिकती थी, कि मुझे तथ्य चाहिए। मैंने तो उनको ये कहा था कि तथ्य तो हरियाणा प्रदेश का युवा है, तथ्य तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के माँ बाप हैं, जो जमीन बेच करके, जो बैंक से निकलवा करके, कहीं से ऋण लेकर के जो पैसा देते थे नौकरी के लिए, के अंदर भी पिछले चुनाव के अंदर जो वोट आई है उससे बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार यहाँ कमल का फूल खिल के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम, मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम, और उसके अंदर मेवात जिसको कांग्रेस एक पिछड़ा जिला मानती थी, जिसको कांग्रेस एक बैकवर्ड जिला मानती थी, अब मेवात ने यह ठान लिया है कि कमल को खिलाने का काम करेंगे। देखिए, दो चार दिन में सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा, और जैसा भी उनका फैसला है